स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, और इस वीडियो लेक्चर का नाम है एकिनोडर्माटा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं पैलेंटोलॉजी के ऊपर, उसमें से गैस्ट्रोपोडा, पेल्सिपोडा, इन सब की मॉर्फोलॉजी देखी है हमने। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसी लिस्ट में पैलेंटोलॉजी में, इसका नाम है एकिनोडर्माटा, और इसमें हम देखेंगे एकिनोडर्माटा की मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कि एकिनोडर्माटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस में। तो चलो शुरू करते हैं अब बिना समय गंवाए। देखो एकिनोडर्माटा, अब एकिनोडर्माटा क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, एकिनोडर्म इज द नेम गिवन टू मेंबर्स ऑफ फाइलम एकिनोडर्माटा। वो मेंबर्स जो एकिनोडर्माटा फाइलम में हैं उनको हम एकिनोडर्म्स बोलते हैं, ठीक है। एकिनोडर्माटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय दियर रेडियल सिमेट्री। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल मतलब सर्कल की रेडियस होती है, ये ऐसा, ये इस पॉइंट है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो एक ही पॉइंट जब बहुत सारे लाइंस निकलती हैं तो उसको हम कहते हैं रेडियस। मतलब देखो ये पॉइंट है ना, इससे रेडियस से निकल रही है, सर्कल के साथ देखे जाए तो ये रेडियस है बहुत सारी, तो इनको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री रहती है उनकी, रेडियल सिमेट्री रहती है, ठीक है। रेडियल रेडियस जैसे सर्कल, उनके भी रेडियस निकलती हैं बहुत सारी, वैसे ही उनकी भी आर्म्स होती हैं, और वो सारी दिखने में आपस में सेम होती हैं, इसलिए हम उसको सिमेट्री कह रहे हैं। अगर वो आपस में सेम है दिखने में, एक जैसा है, तो तब क्या कहते हैं हम कि सिमेट्री होती है, एक समान है तो भाई तभी की होती है सिमेट्री, है ना। तो इनमें क्या होती है, उनकी जितनी भी आर्म्स होती हैं वो सारी आपस में दिखने में एक जैसी होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी रेडियल सिमेट्री है। एक्नो मीन्स स्पाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन। स्किन एक्नो का मतलब होता है स्पाइन, स्पाइन यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ऐसी। एक्नो का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, और डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है। तो ये था एकिनोडर्माटा की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन कैसा कैसा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखिए, ये एनिमेलिया एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। सब किंगडम है यूमेलाजोआ, फाइलम है एकिनोडर्माटा, सब फाइलम है एकिनोजोआ, सुपर फाइलम है ड्यूटरोस्टोमिया, और क्लास है एकिनोआइडिया, ठीक है। आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए यहाँ पर। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैंने स्टारफिश लिखा हुआ है, उसके बाद सी अर्चन्स, सी कुकम्बर्स, सैंड डॉलर्स एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एकिनोडर्माटा के, एकिनोडर्म्स के। स्टारफिश, सी अर्चन्स, सी कुकम्बर्स, सैंड डॉलर्स एटसेट्रा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम अब इसमें देखने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकिनोडर्माटा, यानी कि इनकी क्या खासियत होती है, कैसे कैसे ये दिखते हैं, ठीक है। सॉरी, कैसे दिखते नहीं है, इनकी खासियत क्या क्या है, कुछ स्पेशल इनके बारे में। हाँ, तो पहला इसमें है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मरीन। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मरीन होते हैं, मरीन मतलब समुद्री, समुद्र के आसपास पाए जाते हैं एकिनोडर्म्स, तो इनको हम मरीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है, इंटीरियर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल प्लेट्स ऑफ कैल्साइट। जो इनका अंदर से कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन मतलब जो इनका फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, जिसको हम हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, वो जो है प्लेट से बना होता है, वो जो है बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बना होता है, और वो जो प्लेट्स जो है वो कैल्साइट से मिलकर, कैल्साइट से बनी होती है, ठीक है। कैल्साइट हमारा एक मिनरल है, कह सकते कैल्शियम, कैल्शियम से रिलेटेड मिनरल है वो, उसी से ये सब बनी होती हैं। क्या इसका जो स्केलेटन है पूरा का पूरा, और स्केलेटन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो कैल्शियम से या कैल्साइट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, वही बात आ गई। रेडियल सिमेट्री मतलब देखो, एक दो तीन चार पाँच, एक ही पॉइंट से लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियस होंगी। अगर सर्कल के हिसाब से देखें हम, तो हम कहेंगे कि ये सर्कल की रेडियस है, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब एक जैसे, देखो स्टार फिश में क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आर्म्स होती हैं, और पाँचों की पाँचों आर्म्स आपस में क्या एक जैसे दिखती हैं, तो हम कहेंगे उसे सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, क्योंकि ये रेडियस की तरह बाहर निकल रहे हैं एक पॉइंट से, तो सिमेट्री हो गई रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब देखो वेस्कुलर का क्या मतलब होता है, वेस्कुलर का मतलब तो वैसे होता है कैविटी,
ठीक है, क्योंकि कैविटी, और कैविटी का मतलब होता है कि मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें छेद होते हैं, जिसमें गड्ढे होते हैं, ठीक है, जिसमें छेद होते हैं या गड्ढे होते हैं। तो वो वैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो पानी को आने जाने देता है, ठीक है। जैसे देखो, मतलब जैसे हमारा सैनिटेशन सिस्टम होता है ना, क्या होता है, हमारे घर के आसपास नालियाँ होती हैं, वो नालियाँ क्या करती हैं, पानी को आने जाने देती हैं। वैसे ही इनमें क्या होता है, अब इसमें ऑर्गेनिज्म के लिए हम उसको नालियाँ नहीं बोलते, उस सिस्टम को हम वेस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, इसके अंदर जो पानी होता है एक जगह से दूसरी जगह जब पहुँचता है तो यही सिस्टम उसमें मदद करता है। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वो पानी का आना, वो पानी का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, दूसरी तरफ से वापस एक तरफ आना, वो सब यही सिस्टम देखता है जिसको हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और आखिरी जो इसकी खासियत मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पोजेस पेंटामेरस रेडियल और प्रिमिटिव बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो, पोजेस पेंटामेरस सिमेट्री, अब पेंटामेरस सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसमें पांच आर्म्स होती हैं, वो सारी की सारी आपस में एक ही जैसे दिखती है, तो हम उसे बोलते हैं पेंटामेरस सिमेट्री, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री होती है कि यानी कि रेडियस की तरह बाहर निकली होती है वो। अब और किसी किस्म क्या होता है, प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि दो दो चीज़ें आपस में सेम दिखती थी, तो उस सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, एक्टिनोडर्म्स के या एक्टिनोडर्माटा के। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मॉर्फोलॉजी। अब देखो, मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्टिनोडर्म्स आर एज फॉलो। जो कुछ खास फीचर्स हैं एक्टिनोडर्म्स के वो यहाँ नीचे हमने लिखे हुए, ठीक है। सबसे पहला, द नर्वस सिस्टम इज अ सिंपल स्ट्रक्चर विद अ नर्व रिंग एट सेंटर एंड फाइव रेडियल नर्व्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स अलोंग द आर्म्स। ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। इसका मतलब है जो नर्वस सिस्टम जो है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, बीच में एक नर्व रिंग होता है और उससे पांच रेडियल नर्व्स बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, बाहर को आर्म्स की तरफ निकलती हैं, पांच रेडियल नर्व्स निकलती हैं। और इसमें जो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमंस में होता है, जानवरों में होता है, एनिमल्स में, मतलब जैसे टाइगर डॉग, इन सब में ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रेन होता है, बट इन इनमें नहीं होता है। एक्टिनोडर्माटा में ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इसका नर्वस सिस्टम देखो, ये पूरा इसका नर्वस सिस्टम बनाया हुआ है हमने, तो स्टार फिश ऐसे में रहती है, ठीक है। ये डायग्राम हमने ऐसे उल्टा करके बनाया हुआ है डायग्राम, समझे हो, ऐसे रहती है, ऐसे पड़ी है स्टार फिश, ठीक है। ये हमने इसको उल्टा किया है, तब हमने देखा यहाँ से ऐसे ऐसे, तब जाके मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब देखो क्या कहा था उसने, नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है हमें, सिंपल ही है, ठीक है। सेंटर में एक नर्व रिंग होता है, ये सेंटर नर्व रिंग है, और उससे पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच नर्व्स बाहर को निकलते। देखो, एक नर्व ये है, दो नर्व ये है, तीन नर्व ये है, चार नर्व ये है, पांच नर्व ये है, ठीक है। पांच वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है ये मैंने देख, ये मुझे ध्यान नहीं है, बट ये देखना कि रेडियल की बात करी उसने, कि इससे रेडियली, रेडियस की तरह देखो, अगर ये सेंटर पॉइंट है, से रेडियस की तरह ये निकल रही है ना उस बार को, तो यही लिखा है वहां पे। और ये आर्म्स हैं इसके, ये आर्म है, ये आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, ट्वेल्व पांच आर्म्स है इसमें। सेंटर में एक नर्व रिंग होता है और उस नर्व रिंग से बाहर की तरफ रेडियली, रेडियली मतलब रेडियस की तरह कुछ और नर्व्स निकलती हैं, ये हैं वो नर्व्स, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और ये आर्म्स निकलती तो हैं और ये आर्म्स में रहती हैं, तो ये जो इसे ये जो है, ये पूरा आर्म है इसका, ये एक आर्म है, ये दो आर्म है, और ये इसकी आर्म के अंदर जो नर्व है, नर्व्स हैं, ठीक है। अब ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होता है, ब्रेन जो है इसमें नहीं होता है। अगला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, यहां से दे हैव पेंटारेडियल सिमेट्री। अब आइए वो पांच वाली बात, कि इनमें पेंटारेडियल सिमेट्री होता है एंड कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मेड ऑफ ऑसिकल्स या ऑसिसल्स, जो भी पढ़ते होंगे इसे, देख लेना। दे हैव पेंटारेडियल सिमेट्री एंड कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ ऑसिकल्स। इनकी सिमेट्री जो है पेंटारेडियल होती है, वो मैंने यहाँ पे बना के भी दिखाया है और अभी पीछे फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। और
इसका जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन जो इसका इंटरनल स्केलेटन होता है वो जो है ऑसिकल्स से बना होता है। ऑसिकल्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्केलेटन बना होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज डेवलप्ड बाय एपिडर्मल सेल्स, और एंडोस्केलेटन के ऊपर जो है एक परत चढ़ती है, और वो किससे बना होता है, एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल मतलब देखो, डर्मा का मतलब होता है स्किन ना, तो एपिडर्मल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो स्किन में होते हैं, ठीक है। तो इसका एंडोस्केलेटन के ऊपर इसमें एपिडर्मल सेल्स से एक लेयर बन जाती है, एंड पोजेस पिगमेंट सेल्स, और इन्हीं में हम, और इसमें हमारे पिगमेंट सेल्स। अब देखो पिगमेंट का काम क्या होता है, कलर देना किसी भी चीज को, ठीक है। पिगमेंट सेल्स हम उन सेल्स को बोलेंगे जो सेल्स इसको कलर देते होंगे, ठीक है। तो इसमें पिगमेंट सेल्स होते हैं विच गिव्स डिफरेंट कलर्स होते हैं, और जो पिगमेंट सेल्स है इसको डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। इसकी पेंटारेडियल सिमेट्री है, पेंटारेडियल सिमेट्री, रेडियल का मतलब रेडियस की तरह बाहर निकल रही होंगी, निकल रही है भाई रेडियस की तरह, ठीक है। और पेंटा का मतलब, पेंटा मतलब पांच, 1 2 3 4 5, तो हो गए पेंटारेडियल सिमेट्री। हाँ जी हो गए पेंटारेडियल सिमेट्री, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कहा था एंडोस्केलेटन जो है एपिडर्मल सेल्स, हाँ एंडोस्केलेटन जो है ऑसिकल्स से बना होता है। ऑसिकल मतलब छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो लो जी भाई, आपकी छोटी छोटी हड्डियाँ क्या किधर हैं, ये हैं आपकी छोटी छोटी हड्डियाँ, यहाँ देखिए छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ। अब और इसके आगे लिखा हुआ था एंडोस्केलेटन इज डेवलप्ड बाय एपिडर्मल सेल्स, एंडोस्केलेटन के ऊपर जो है एपिडर्मल सेल्स की परत होती है, यानी स्किन सेल्स की परत होती है, और इनमें पिगमेंट सेल भी होते हैं। पिगमेंट सेल यानी कि जो कलर देने में मदद करते हैं, और ये पिगमेंट सेल जो है डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर देते हैं इन्हें को। नेक्स्ट ये है, ठीक है, गोनैड्स। अब गोनैड्स क्या होते हैं, पहले तो मैं ये पता था उनसे गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स बेसिकली वो ऑर्गन होते हैं हमारे जो हमारे गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब गैमेट क्या होते हैं, गैमेट होते हैं स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स। तो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ठीक है, तो उनको हम गोनैड्स बोलते हैं। तो गोनैड्स आर प्रेजेंट इन ईच आर्म, हर एक आर्म में गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्पर्म रिलीजिंग ऑर्गेन प्रेजेंट होता है हर एक आर्म में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सब में गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एक्टिनोडर्म्स लाइक सी स्टार्स एवरी आर्म हैज टू रोज ऑफ ट्यूब फीट, ठीक है। अब जैसे सी स्टार, जैसे एक्टिनोडर्म्स जो होते हैं, एक्टिनोडर्म जैसे कि सी स्टार, उनमें क्या होती है, दो रो होती है, किस चीज की, ट्यूब फीट की। अब पहले समझो ट्यूब फीट क्या होता है, ठीक है, ट्यूब फीट क्या होता है, ये देखो ये लंबी सी नर्व है, ठीक है। अब इसमें ये इसमें एक ये छोटे छोटे गोल गोल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो गोल गोल हैं इसको हम एम्प्यूले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्यूले बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है डायग्राम में, ये है ना, इसको एम्प्यूले बोलते हैं। और अगर हम एम्प्यूले को देखें तो इसके नीचे यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला रहता है, देखो यहाँ पे बना रखा है मैंने, ये एम्प्यूले है और नीचे की तरफ से ये निकले हैं ना, ये निकला है, इसी को बोलते हैं हम ट्यूब फीट, क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट। देखो ये एम्प्यूला है, इससे नीचे की तरफ थोड़ी सी बोन निकली है, इस नीचे की तरफ जो बोन निकली है इसको बोलते हैं हम ट्यूब फीट। तो वही ये कह रहा है कि ट्यूब फीट, एक्टिनोडर्म्स में क्या होते हैं, दो रोज होती है ट्यूब फीट की, ठीक है। इन एक्टिनोडर्म्स लाइक सी स्टार एवरी आर्म हैज टू रोज ऑफ ट्यूब फीट, हर एक आर्म में दो रो होती है ट्यूब फीट। देखो एक रो ये है और एक रो ये है ना, ये ऊपर में जो सर्कल है इसको हम एम्प्यूला बोलेंगे, और जिसके नीचे ये छोटी सी डंडी बनी हुई है, छोटी सी हड्डी है ये, इसको बोलेंगे हम ट्यूब फीट, ठीक है। तो हर एक आर्म में क्या होती है, दो 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 रोज होती है ट्यूब फीट की, एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है, ऑन दी ओरल साइड, ओरल साइड मतलब जिस तरफ उसका मुंह होता है उस तरफ होती है ये, ठीक है। तो ये है, हर एक रो में दो दो वो है रोज है ट्यूब फीट की ओरल साइड की तरफ। ट्यूब फीट्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, गैसियस एक्सचेंज, कलेक्टिंग फूड,
एंड आर ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर विद इन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या मतलब इसका? ट्यूब फीट्स का काम क्या होता है? वो लोकोमोशन के काम आते हैं। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आते हैं। दूसरा, गैसियस एक्सचेंज, जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है ना, वैसे ये भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, पर हम किससे करते हैं? नोज से करते हैं। ये करते हैं इन ट्यूब फीड की मदद से, हम नोज से करते हैं गैसेस एक्सचेंज, और ये गैसेस की अदला बदली ट्यूब फीड की मदद से करते हैं, ठीक है। और तीसरा काम जो है ट्यूब फीड का, वो है खाना इकट्ठा करना, खाने इकट्ठे, कलेक्टिंग फूड के लिए भी ये काम आता है। और ये ट्यूब फीड चलते कैसे हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से बनते हैं, पानी का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये ट्यूब फीट काम करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ हर एक कोने कोने में पानी चले जाता है, क्योंकि इनके अंदर गड्ढे गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों से क्या होता है, पानी पास कर जाता है, इसलिए हम इस सिस्टम को वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और तो यही लिखा है कि ट्यूब फीट्स जो है हमारे लोकोमोशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, खाने इकट्ठा करने के लिए यानी कि चलने फिरने के लिए, गैसेस के अदला बदली के लिए, और खाने इकट्ठे करने के लिए यूज होते हैं। और ये चलते कैसे हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है उसकी वजह से ये ट्यूब फीट्स काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है, ये फोर्थ पूरा दिख नहीं रहा है, अब दिखा यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। दे पोजेस ट्रू कॉलम, ठीक है, इनमें कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम का मतलब होता है गड्ढे, ठीक है, कॉलम या कैविटी के मतलब गड्ढे होते हैं। इनमें क्या होता है, गड्ढे होते हैं मॉडिफाइड इनटू अ यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं जिसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, हर जगह वो होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं या कैविटीज होती है, जिससे पानी आर पार चले जाता है, और वो एक यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो मतलब वो सर्कुलेट कर लेता है पानी को, पानी उससे आर पार जा सकता है, ठीक है। तो एक यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है जिसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बॉडी कैन रीजनरेट इफ ओनली 25% ऑफ बॉडी मास इज रिमेनिंग एंड 75% इज लॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्नोडर्माटा के बारे में, कि इनकी बॉडी जो है, अगर 75% बॉडी खत्म भी हो जाए इनकी, सिर्फ 25% हिस्सा बचा है बॉडी का, ठीक है, 75% हिस्सा यानी कि 75% हिस्सा जो है बॉडी का वो खत्म हो जाए, और सिर्फ 25% हिस्सा बचा है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी दोबारा फॉर्म हो जाती है, दोबारा बन जाती है, फिर से ये अपनी पूरी बॉडी को बना सकते हैं, ठीक है, कब, अगर सिर्फ 25% हिस्सा भी बचा हो। सेवेंथ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्नोडर्म्स हैज अ यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक्नोडर्म्स में क्या होता है, एक यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम एम्ब्यूला क्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्यूला क्रल, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल ऑन ईच आर्म। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में रिंग कैनाल होता है, देखो ये जो बीच में जो कैनाल है ना, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल, ठीक है, ये लिखा हुआ रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल से जो जो नर्व्स जुड़ी होती हैं, जैसे कि ये बड़ी वाली, इनको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है, ये रेडियल कैनाल। कैनाल का मतलब ऐसे नाली होती है, क्योंकि यहाँ पे ये नाली का काम कर रहे हैं, तो हम इसे कैनाल बोल सकते हैं, ठीक है, ये रिंग कैनाल और यहाँ पे रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो है हर एक आर्म में होती है, ये रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, 3 4 5, ठीक है। द सब कैनाल्स कनेक्टेड टू रेडियल कैनाल्स आर लेटरल कैनाल्स, ठीक है। अब रेडियल कैनाल के साथ देखो, यहाँ पे देखो, रेडियल कैनाल के साथ ये छोटी छोटी सब कैनाल जुड़ी है ना, छोटी सी नाली जुड़ी हुई है, ये रेडियल कैनाल है, ये बड़ी वाली, इसके साथ एक छोटी सी नाली जुड़ी हुई है जो मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट करी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल। क्या बोलते हैं? लेटरल कैनाल, ठीक है। वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस एज लोकोमोशन, गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन एंड प्रिडेशन। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, यहीं ऊपर में मैंने लिखा था कि क्या होता है, इस सिस्टम से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से है पानी जाता है, और उससे क्या होता है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, गैसेस की अदला बदली, न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना, और प्रिडेशन का मतलब शिकार करना। ये सब इसी की वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मदद से होता है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करता है, ठीक है। अगला है सेवेंथ पॉइंट,
सॉरी ऊपर वाला 6 पॉइंट था, ये है 7 पॉइंट। वेस्कुलर सिस्टम एंटर्स द एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब फीट। दे कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो एंडोस्केलेटन, जो स्केलेटन है उसका बाहर का अंदर का, उसकी तरफ एंटर कर रहा है। देखो उसकी तरफ एंटर कर रहा है ट्यूब फीट की मदद से। ट्यूब फीट ये है, ये स्केलेटन इसका, ये यहाँ से नीचे की तरफ ट्यूब फीट होता है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना रखा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ क्या है, हम कहेंगे इसको एंडोस्केलेटन में एंटर कर रहा है। कैसे? ट्यूब फीट की मदद से, ठीक है। और फिर क्या है, दे कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। ये ट्यूब फीट जो है एक्सपैंड यानी कि फैल सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ सकती है। ट्यूब फीट जो है फैल सकती है या सिकुड़ सकती है, और कैसे, किस चीज़ की वजह से, कि भाई उनमें कितना पानी प्रेजेंट है। अगर उनमें पानी ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो फैलेगा, और अगर पानी कम प्रेजेंट है उनमें, पानी कम मात्रा में है, तो वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे, एट्थ, मैड्रेपोराइट। मैड्रेपोराइट इज एन ओपनिंग थ्रू विच वाटर कैन एंटर द बॉडी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सक्रीशन। मैड्रेपोराइट एक ऐसी ओपनिंग है, एक ऐसा खुला रास्ता है जहाँ से पानी जो है बॉडी के अंदर आ सकता है, और इसी रास्ते को हम एक्सक्रीशन, हम नहीं सॉरी, ये एक्नोडर्माटा जो है इसी रास्ते को एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम समझ लो एक बार। ये जो सेंटर में जो रिंग है, नर्व का रिंग बना हुआ है, ये इसका नर्वस सिस्टम है पूरा, और ये इसकी बॉडी है, ठीक है। इसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं, जो बाहर से इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये रिंग है, इसको हम रिंग कैनाल बोलेंगे। इससे जो कैनाल एसोसिएटेड है, लंबी लंबी 5 रेडियल रेडियस की तरह जो इसे बाहर निकले, उनको हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। रेडियल कैनाल से भी एक छोटी कैनाल निकलती है या छोटी नली निकलती है, उस नली को हम बोलते हैं लेटरल कैनाल, ठीक है। और लेटरल कैनाल पे जो ये बड़ा सा सर्कल है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। इसको एम्प्यूला बोलते हैं, और एम्प्यूला से नीचे की तरफ जो निकल रहा है तो छोटी सी हड्डी या छोटा सा कैनाल, उसको हम ट्यूब फीट बोलते हैं, ठीक है। ये गोल गोल एम्प्यूला है, ये मैंने बता दिया। रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, रिंग कैनाल, सब बता दिया। मैड्रेपोराइट की बात कर रहे थे हमने, आप पिछले पॉइंट में पढ़ा। मैड्रेपोराइट एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ से पानी जो है बॉडी के अंदर जाता है, तो ये जो ओपनिंग है इसको मैड्रेपोराइट बोलते हैं। और इस मैड्रेपोराइट के साथ जो ये जुड़ा हुआ है पाइप जैसे, इसको हम बोलेंगे स्टोन कैनाल, ठीक है। इस बॉडी को हम टाइड मैन बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये एक आदमी की तरह बंधी हुई है। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने थोड़ा सा मजाक किया आपके साथ। इसे हम टाइड मैन्स बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी है टाइड मैन्स बॉडी, तो हमने तो देखो ये है इसका डायग्राम, और ये जो इसमें एक वेसिकल है, ये पोलियन वेसिकल होता है, ठीक है, पोलियन वेसिकल। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, डायग्राम बता दिया है। फिर अभी पहले आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाटर एंटर्स द मैड्रेपोराइट, ठीक है। फ्रॉम देयर इट पासिस इंटू स्टोन कैनाल विच मूव्स वाटर इन टू द रिंग कैनाल। रिंग कैनाल इज कनेक्टेड टू रेडियल, और रेडियल कैनाल इज कनेक्टेड टू द लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से क्या जुड़ा होता है, एम्प्यूले, और एम्प्यूले से जुड़ा होता है ट्यूब फीट, ठीक है। तो पहले, बाय मोशन ऑफ वाटर एक्विनोडर्म कैन मूव और ओपन फॉर फीडिंग, ठीक है। बाय मोशन ऑफ वाटर एक्विनोडर्म कैन मूव और ओपन फॉर फीडिंग, यानी कि पानी के मोशन की वजह से एक्विनोडर्म क्या है, चल फिर पाते हैं और खाना खाने के लिए अपना मुंह खोल पाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अब जो मैंने अभी ये पॉइंट पढ़ा, अब इसको समझाता हूँ मैं। यहाँ से पहले पानी अंदर जाता है, ठीक है, मैड्रेपोराइट से, फिर वो स्टोन कैनाल से पास होगा, फिर वो रिंग कैनाल में जाएगा, ठीक है। रिंग कैनाल से वो इन 5ों लेटरल कैनाल में बन जाता है, ठीक है, सॉरी, रेडियल कैनाल में बंट जाता है। ये रेडियल कैनाल है, रेडियस की तरह निकल रही है, रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल से वो लेटरल कैनाल में जाएगा, और लेटरल कैनाल से वो एम्प्यूला में जाएगा, और एम्प्यूला से वो जो उसके एम्प्यूला के नीचे जो ट्यूब फिट कनेक्टेड है उसमें जाएगा, और तब जाके ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मूव कर पाएगा या खाने पीने के लिए खुल पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, जो कि मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिए। अब आखिरी चीज़, आखिरी पड़ाव इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एक्टिनोडर्माटा का। द जियोलॉजिकल रेंज ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज
आर एज फॉलोज, ये है जियोलॉजिकल रेंज इन इंपॉर्टेंट स्पीसीज की। एक्किनोसाइटिटोइडिया, एक्किनोसाइटिटोइडिया जो भी है, ये लेट ऑर्डोविशन में पाए जाते हैं। सीडारॉइड और पेंसिल अर्चिन जो है अर्ली कार्बोनिफेरस में पाए जाते हैं। ट्रू सी अर्चिन जो है लेट ट्रायसिक पीरियड में पाए जाते हैं। स्पॉन्टागॉइड्स और हार्ट अर्चिन जो है क्रिटेशियस में पाए जाते हैं। कैसीड्यूलॉइड्स जुरासिक में। सैंड डॉलर्स डजेंट अकर इन फॉसिल रिकॉर्ड अंटिल पैलियोसीन, पैलियोसीन दौर तक सैंड डॉलर जो है नहीं पाए गए थे फॉसिल रिकॉर्ड में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही, हर एक चीज़ हमने इसमें डिफाइन करी अच्छे से। सबसे पहले हमने इसमें एकिनोडर्माटा का डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हम बढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकिनोडर्माटा की तरफ, और उसके बाद हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी, डायग्राम से मॉर्फोलॉजी समझी अच्छे से, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझा, और आखिर में हमने देखा जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब वक्त आ गया है कि मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूं। विदा लेता हूं आपसे अगली वीडियो के इंतज़ार तक, तब तक के लिए सभी को प्रणाम।